हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी फॉर दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लेके आते हैं द हिंदू के एडिटोरियल का इन डेप्थ एनालिसिस। और आज है 9th of May। मैं हूं राम, आपके लिए डेली लेके आता हूं द हिंदू का एडिटोरियल। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जो है कॉन्सेप्ट्स की क्वालिटी की और एग्जाम से रिलेवेंट बात करते हैं। तो बिल्कुल आप जो है इस सेशन को फॉलो करते हैं तो आप इसकी PDF जो है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, और वाईफाई एप्लीकेशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस पर भी जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी इसकी PDF आज के एजेंडा पे हम जो है लास्ट सेशन के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद आज के एडिटोरियल और फैक्ट फाइल के अंदर जो है आज हम एक बहुत ही अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे जो कि अभी काफी न्यूज में था, और उसके बाद जो है बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के क्वेश्चंस लेंगे। तो कल के क्वेश्चन में हमने बात करी थी जो सेतु भारतम प्रोजेक्ट की बात हुई थी, कल जो रेलवे के बारे में बात कर रहे थे, रेलवे सेफ्टी और उसकी लायबिलिटी की बात कर रहे थे। तो सेतु भारतम प्रोजेक्ट के बारे में हमने कल डिटेल में बात करी थी, उसके प्रोविजंस क्या क्या है, सेतु भारतम प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, इट इज़ ए प्रोग्राम फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर सेफ एंड सीमलेस ट्रेवल ऑन नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। ठीक है, तो ये बेसिकली सेतु भारतम का जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जहाँ जहाँ पे नेशनल हाईवे और रेलवे का जो क्रॉसिंग हो रहा है तो नेशनल हाईवे को या तो ओवरब्रिज या फिर अंडरब्रिज के थ्रू जो है उसको जो क्रॉसिंग है उसको सीमलेस बनाया जाए। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात हुई है तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये छोटे छोटे जो कीवर्ड्स है ना, आप इन स्टेटमेंट्स के अंदर कीवर्ड्स को बिल्कुल बिल्कुल जो है ना कीवर्ड्स को आप भूलिएगा नहीं, इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो है बिल्कुल आपको फोकस होकर पढ़ना है, ईच एंड एवरी वर्ड को आपको फोकस करना है, और कौन सी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है कौन सी इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट है उसको बिल्कुल आप हाईलाइट कर दें, और उसके बाद में कैरिड अवे नहीं होना है, स्टेटमेंट के साथ में कैरिड अवे नहीं होना है। तो प्रोग्राम एम्स टू मेक ऑल नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे लेवल क्रॉसिंग बाई 2019। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, जिसके अंदर ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन हमने बात करी थी डीएनए प्रोफाइलिंग को लेके, उसके एथिकल एंड मॉरल आस्पेक्ट को देखा था कि डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है। तो बेसिक यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इट रेफर्स टू व्हाट, टेक्निक्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका ये नाम दिया हुआ ना फिंगरप्रिंटिंग, बट इसका एक्चुअल में फिंगरप्रिंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल, एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस। ठीक है, टेक्निक्स यूज फॉर मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ रेयर डीएनए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल, जिसके अंदर जो कल हमने बात करी थी कि 80 CG जो बेस पेयर्स होते हैं वो बेस पेयर्स का एनालिसिस करके जो कॉमन बेस पेयर्स और जो सेपरेट बेस पेयर्स है उनका एनालिसिस करते हैं और उससे जो है एक प्रोफाइल डेवलप करी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। थर्ड क्वेश्चन कल हमने राइट टू प्राइवेसी की बात करी थी, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, एक एस्पिरेंट ने बिल्कुल पूछा था कि सर ये क्या होता है, तो उससे जुड़ी हुई हमने फैक्ट फाइल के अंदर ये बात करी थी। तो राइट टू प्राइवेसी के बारे में ये है कि आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 क्या करता है, फंडामेंटल राइट है जो कि लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। तो इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बहुत सारे राइट जो है ओवर द टाइम डेलीगेट किए, फंडामेंटल राइट उसके अंदर इंक्लूड किए। तो इसमें ये पूछा गया है कौन सा आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने बड़ी लंबी सी एक लिस्ट दी है, आपको वो लिस्ट जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी है और लिस्ट में कौन कौन सी जो चीजें दे रखी है। ठीक है, तो उसके अंदर राइट टू शेल्टर नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग तीनों जो है उसके अंदर राइट टू हेल्थ भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। उस लिस्ट को आप बिल्कुल आप ध्यान में रखें, आप उसको जो है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि दूसरे एस्पिरेंट्स को उससे फायदा होगा। नेक्स्ट हमने जो है कन्वेंशनल क्वेश्चन लिया था कि एन्यूमरेट एथिकल एंड मोरल इश्यूज रिलेटेड टू डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग की कल हमने बात करी थी, इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन उठाया कि एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं। ठीक है, नैतिक मुद्दे क्या हो सकते हैं कि जो ह्यूमन
उसके अंदर इस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जो एथिकल कंसर्न क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है, करिश्मा ने एंड प्रशांत ने जो है करेक्ट आंसर देने की कोशिश करी है। तो प्रशांत ने क्या कहा है कि एथिकल एंड मॉरल इश्यूज ऑन डीएनए प्रोफाइलिंग सच एज डीएनए इज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पीपल आर कंसर्न ओवर द कॉन्सिक्वेंसेज दे विल फेस इफ द डीएनए इंफॉर्मेशन बिकम पब्लिकली असेसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैलिड पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि डीएनए प्रोफाइलिंग की और डीएनए इंफॉर्मेशन अगर आप पब्लिक डोमेन में या फिर इस तरीके की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, ठीक है, तो उससे उसका मिसयूज और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है आप उसको सोच नहीं सकते। दूसरा, मैनी पीपल आर्ग्यू दैट द केस ऑफ नेशनल डीएनए डेटाबेस इंफ्रिंज ऑन द इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी बात हमने करी थी। जेनेटिक टेस्टिंग में प्रोवाइड द बेस्ट रीजन yet for the nationalized healthcare policy, it will play a big role in the genetics, it will help in the knowing person identity and it will be used as a evidence in the criminal cases, that is just amazing। ठीक है, तो इन्होंने ये दो पॉइंट तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दिए कि प्रोफाइलिंग कैसे हेल्प है। अब इसके अंदर अपन और क्या ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने भी क्या मेंशन किया है कि अगर आप डीएनए इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शो करेंगे, देयर राइट टू प्राइवेसी कैन बी ट्रीटेड एज द वायलेशन ऑफ राइट एंड पीपल माइट फेस मेनी सोशल इश्यूज। ठीक है, अब इसको एक एस्पेक्ट और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कि जो उस बेसिस पे जो आप कास्ट बेस्ड और माइनॉरिटी बेस्ड जो प्रोफाइलिंग उनकी की जा सकती है, लीनियज प्रोफाइलिंग की जा सकती है और उनका मिसयूज किया जा सकता है पॉलिटिकल स्पीयर में, तो ये भी एक इश्यू है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इवन लोग जो है फेसबुक के लाइक को जब आप प्रोफाइलिंग करके उसको पॉलिटिकल मोटिवेशन में यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो है डीएनए का डेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरा, इसके अंदर जो एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट है कि डीएनए सैंपलिंग जो है, डीएनए की जो सैंपलिंग होती है, इट इज अगेन ए चैलेंज। ठीक है, आप जो है उसके अंदर आप उसकी सैंपलिंग कैसे करते हो, कंसेंट से करते हो नहीं करते हो, कंसेंट प्रायर कंसेंट का क्या प्रोविजंस है। ठीक है, तो ये इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो अपने को इसके अंदर एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड में ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि एथिकली जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, क्या हमारी सोसाइटी इसके लिए अभी रेडी है, क्या हम जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशन डेसिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पे। आज के एडिटोरियल पे कुछ शानदार एडिटोरियल आए हैं, उनकी हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, नागालैंड का जो पीस एग्रीमेंट हुआ था, फ्रेमवर्क पीस एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट और एनएससीएन के बीच में 2015 में, उसकी बात हुई है और उसको लेके डिटेल में बात हुई है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि नागा इश्यू क्या है, नागालैंड का जो इश्यू है वो क्या है, और जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पीसफुल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनएससीएन के बीच में, उस एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट वैसे तो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आया है, पब्लिक डोमेन में नहीं आया, बट उससे रिलेटेड क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उस एग्रीमेंट होने के बाद में जो है क्या इफेक्ट हुआ है नेशनल स्फीयर में, और जो नेबरहुड स्टेट्स है उनके अंदर अभी क्या क्या चीज़ें हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर ओवरऑल इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो इसको पूरी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है नेबरहुड फर्स्ट जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात हुई है, जो अभी गवर्नमेंट जो चल रही है इनकी जो फर्स्ट पॉलिसी ये थी कि नेबरहुड फर्स्ट होना चाहिए, और आपको पता होगा कि जो पीएम की जो स्वर्ण ऑन सेरेमनी थी उसके अंदर जो है सार्क कंट्रीज के जो है लीडर्स को बुलाया गया था और नेबरहुड के अंदर आउटरीच किया था। बट अगर आप इसको अभी देखो, अभी अगर नेबरहुड में चाइना के साथ रिलेशनशिप को देखो, नेपाल के साथ रिलेशनशिप को देखो और पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को देखो, बाकी सबको अगर छोड़ दिया जाए, तो इन तीनों के साथ रिलेशनशिप जो है ओवर द टाइम जो है खराब हुए हैं, सुधरे नहीं है। तो इसको लेके हम बात करेंगे, क्या आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इससे रिलेटेड। हमने ऑलरेडी कई बार सेशन किए हैं, बट ये चूंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो बिल्कुल इस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे बात हुई है इस कॉलम के अंदर, जो अभी रशिया के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनकी अपकमिंग पॉलिसी एंड उनके पोस्चर को लेके बात हुई है कि ग्लोबल आउटलुक में रशिया का पोस्चर क्या होगा, क्या वो पावर असर्टिंग पोस्चर होगा, क्योंकि अभी अगर आपको पता होगा कि जो व्लादिमीर पुतिन है, अभी इनका जो वापस आने का जो मेन जो ड्राइविंग फोर्स थी वो यही थी कि जो इंटरनेशनल अरेना के अंदर इन्होंने जो पोस्चर डेवलप किया, जो स्ट्रेंथ डेवलप की रशिया की, उससे डोमेस्टिकली इनकी क्रेडेंशियल्स बढ़े, और ओवर द टाइम आपको पता होगा कि इनका इंटरवेंशन था क्रीमिया के अंदर,
क्रीमियन पेनिनसुला और को जो इन्होंने जो है एनेक्स किया, उसके बाद में जो है सीरिया के अंदर इनका इनका इंटरवेंशन था यूएसए के अगेंस्ट। तो इन सब को लेके बात हुई है कि इस इनकी क्या पॉलिसी होगी। और दूसरा डोमेस्टिक लेवल पे रशिया की जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है इकोनॉमिक कंडीशन ओवर द टाइम में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो इसका श्रेय जो है रशिया के लोगों ने पुतिन को चुन के वापस उनको दिया है और उनके अंदर बिल्कुल फेथ जताई है। तो इसको हम आज कैरी नहीं करेंगे। यहाँ पे जो एक इंटरव्यू आया है उसके अंदर एक दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नागालैंड का जो पीस प्रोसेस है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसको हम अभी डिस्कस क्यों कर रहे हैं। कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था 3 अगस्त 2015 को, जो कि यूनियन गवर्नमेंट एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, ठीक है, जो कि IM NSCN IM जो इसके दो फ्रेगमेंट है NSCN K एंड NSCM IM, ठीक है। तो इसके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में इस तरीके का ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, फिर भी उसको लेके काफ़ी बात हुई है, नागालैंड में बात हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको लेके बात हुई है। द एग्रीमेंट हैज़ रेज्ड एक्सपेक्टेशन अमंग द नागा पीपल बट आल्सो एप्रिहेंशन इन द नेबरिंग स्टेट्स लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नागालैंड और NSCN की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डिमांड थी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड ये थी कि नागालैंड फॉर नागा पीपल, ठीक है, पहली बात। और दूसरा जो है जो नागा जो कम्युनिटी और नागा जो एथनिकली जो जहाँ पे रिसाइड करते हैं वो नागालैंड के अंदर आने चाहिए। तो अगर आप इसको होलिस्टिकली मैप पे देखोगे तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी जो है नागा पॉपुलेशन काफ़ी रहती है। तो इन स्टेट्स के अंदर ये एप्रिहेंशंस है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नागालैंड का जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो और हमारे जो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर चले जाए। The Nagas contend that they never signed the instrument of accession to India, which the Khasi chieftain of present-day Meghalaya and Maharajas of Manipur and Tripura did, and hence cannot be made prisoner to the constitution they never had a hand in crafting. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नागा जो है उनका हमेशा से ये apprehensions रहा है कि नागा जो है एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन है, और इंडिया के अंदर इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनका कोई जो है एलिजेंस नहीं है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो बाइंडिंग नहीं है। रीज़न क्या है, इन्होंने ये कहा है कि ओवर द टाइम हमने इस तरीके का कोई जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन स्वीकार नहीं किया है इंडिया का, और इस जैसा कि इन लोगों ने किया है मणिपुर ने, त्रिपुरा ने और मेघालय ने, ठीक है। तो हम जो है हमें इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नागालैंड की बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंट नागालैंड की जो है डिमांड ये लोग ओवर द टाइम करते हैं। तो ये तो जो है ओवरऑल इसका मेजर इश्यू है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखते हैं कि इसका हिस्ट्री का, इस पूरे इश्यू का जो है बैकग्राउंड क्या है, तभी जो है अपन किसी चीज़ को जो कम्प्लीटली उसको एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन मैप की बात करें थे, अगर मैप में आप देखोगे तो ये तो जो है ये म्यांमार हो गया, ये यहाँ से ये म्यांमार हो गया, यहाँ पे मिजोरम है, ये मणिपुर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नागालैंड है, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और आसाम। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेड मार्क है ये जहाँ पे नागा एथनिक जो कम्युनिटीज है वो रहती है, तो वो आउट ऑफ नागालैंड अरुणाचल में भी है, आसाम में भी है और मणिपुर में भी है। तो इस तरीके का इसी वजह से ये इश्यू पैदा हो रखा है। अब इसकी पॉलिटिकल इश्यू ये है क्या कि ब्रिटिश ने जो है 1826 के अंदर जो है नागालैंड को एनेक्स किया था। इन 1881 नागा हिल्स टू बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये पहले जो है इंडिपेंडेंट था और उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने 1826 और 1881 के अंदर पूरे इस कंप्लीट एरिया पे कब्जा कर लिया। The first sign of Naga resistance was seen in the formation of Naga Club in 1918, which told the Simon Commission in 1929 to leave us alone to determine for ourselves as an ancient time. ठीक है, इन्होंने साइमन कमीशन को भी कहा है कि जो है आप अपनी फॉर्मुलेशन करो, हमें अपने उस पर अलग छोड़ दो, हमारी जो है अलग आइडेंटिटी है। 1946 के अंदर जो है NNC जो नागा नेशनल काउंसिल है वो आई लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ फिजो एंड डिक्लेयर्ड नागालैंड एज इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1947 अगस्त 14, ठीक है। उसके बाद NNC रिजोल्व टू एस्टेब्लिश ए सोवरेन नागा स्टेट एंड कंडक्टेड ए रेफरेंडम इन 1951, जिसके अंदर 99% लोगों ने जो है इंडिपेंडेंट नागालैंड को सपोर्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, ऑन मार्च 1952 फिजो फॉर्म द अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट NFG एंड नागा फेडरल आर्मी NFA।
उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड ए आर्मी टू क्रश द इंसर्जेंसी एंड इन 1958 इनेक्टेड द एप्सपा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ओवर द टाइम ये डेवलपमेंट हुए। आजादी के बाद में जो है नागा ने जो है स्टेट रूट स्वीकार नहीं किया, इंडिया का जो एलिजेंस स्वीकार नहीं किया और इन्होंने इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। और उसके बाद में जो है 1952 के अंदर इन्होंने जो है अपनी एक फेडरल आर्मी भी बनाई थी, तो उसको क्रश करने के लिए आर्मी वहां पे भेजी गई और ओवर द टाइम अप्सपा वहां पे लगाया गया। अब उसके बाद में पीस एफर्ट्स जो है वो क्या हुए, जो पीसफुल प्रोसेस और इसको रिजोल्व करने की बात हुई, इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद द रेजिस्टेंस इन 1947। असम गवर्नर अकबर हैदरी साइंड इन 9 पॉइंट एग्रीमेंट विद द मॉरेडर सखीरी एंड अलीबा इमटी विच वॉज ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिजेक्टेड बाई फिजो। ठीक है, और उसके बाद नागा हिल ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वॉज अपग्रेडेड टू ए स्टेट इन 1963 बाई ऑल्सो एडिंग द ट्वेंसेंग ट्रैक दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया। ठीक है, इन 1964 जयप्रकाश नारायण असम चीफ मिनिस्टर बिमला प्रसाद चलिया एंड दिस माइकल स्कॉट फॉर्म्ड ए पीस मिशन एंड गॉट द गवर्नमेंट एंड एनएनसी टू साइन एन एग्रीमेंट टू सस्पेंड ऑपरेशन दैट सेप्टेम्बर। ठीक है, इस टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट और आर्मी का एक ऑपरेशन होने वाला था और उस दौरान जो है यहाँ पे पीस एग्रीमेंट हो गया और वो ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया। But NNC, NFG and NFA continued to indulge in violence and after 6 rounds of top peace mission was abandoned in 1967 and massive counter insurgency operation launched। ठीक है, तो इस दौरान जो है 1967 के बाद में जो है चीजें काफी गलत होती गई और इस तरीके की इंसर्जेंसी भी बढ़ती गई और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ओवर द टाइम होते गए, क्योंकि जो एनएफजी और एनएफए जो है इन्होंने अच्छी खासी आर्मी डेवलप कर दी थी और उस तरीके से जो है ये अपने इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो उसको बिल्कुल रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरीके का कदम उठाया। नेक्स्ट जो है एनएससीएन की डिमांड क्या है, मैन इसके अंदर जो है ये नागा सोशलिस्ट जो है इसकी डिमांड क्या है, तो इसकी डिमांड यह है कि द ग्रेटर नागालिज्म कंप्राइजिंग ऑल कंटिजियस नागा इनहेबिटेड एरिया अलोंग विद नागालैंड दैट इंक्लूडेड सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम अरुणाचल एंड मणिपुर एंड द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ म्यांमार। ठीक है, ये पूरे इस एरिया को जो है अपना मानते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये नागालैंड के अंदर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नागालिज्म होना चाहिए। द मैप ऑफ ग्रेटर नागालिज्म हैज अबाउट 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर व्हाइल द स्टेट ऑफ नागालैंड ओनली कंसिस्ट 1,60,527 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है 1,00,000 से ज्यादा एरिया को कंटेस्टेड एरिया को डिमांड कर रहे हो ग्रेटर नागालिज्म के लिए। द क्लेम हैज ऑलवेज कैप्ट आसाम मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश वेरी ऑफ पीस सेटलमेंट दैट माइट अफेक्ट देयर टेरिटरीज। द नागालैंड असेंबली हैज एंडोर्स द ग्रेटर नागालिज्म डिमांड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल नागा इनहेबिटेड कंटिजियस एरिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला एज मेनी एज 5 times। ठीक है, ये जो है ओवर द टाइम इन्होंने रिजोल्व किया और लास्टली ये जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर जो इन्होंने ये ग्रेटर नागालिज्म को और इसके इंटीग्रेटेड एरिया को जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंदर लेने की बात करी है। अब मुद्दा ये है कि जो ये एग्रीमेंट हुआ, जो फ्रेमवर्क पीसफुल एग्रीमेंट हुआ है, फ्रेमवर्क पीसफुल एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनएससीएन आईएम के बीच में, ये एग्रीमेंट हुआ 2015 में, इसकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, बट इसका जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस तरीके के एग्रीमेंट से इस पूरे रीजन पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और नागा ट्राइब्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये दोनों इम्प्लीकेशन हमें जानना काफी जरूरी हो जाता है। कि पोस्ट द फ्रेमवर्क देयर वाज अ पीरियड ऑफ पीस ड्यू टू द रिकॉग्नाइजिंग एनएससीएन एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड हैज फ्लरिश्ड विद द गवर्नमेंट पुश फॉर द मोरे एज स्मार्ट सिटी इन मणिपुर एंड द प्रमोटिंग द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे हैं और इस वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड जो है ओवर द टाइम बढ़ा है वहां पे, जो पीस रिलेटिवली पीस जो है ओवर द टाइम यहां पे हुई है। और रिसेंट डिवीजन इन डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर टू प्रोवाइड वॉइस टू मेटी tribe has not gone well with the naga tribes, they have created an economic blockade since November 2016। ठीक है, अब ये एक इश्यू नया इश्यू आ गया कि जो मणिपुर के अंदर इस पर्टिकुलर ट्राइब के लिए जो है एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, अलग से सेपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो उसका नागा ने जो है नागा पूरे ट्राइब्स ने जो है उसको अपोज किया है। अब इस एग्रीमेंट से इन पे क्या इम्पैक्ट होगा, पोस्ट एग्रीमेंट इंट्रा ट्राइब वार ब्रोकआउट इन एनएससीएन आईएम एंड आईएससीएन के, ये दो जो है सेम ग्रुप के नागा के फ्रेगमेंट है और इनके अंदर जो है इसके
इसको लेके, रूलिंग को लेके दोनों में जो है आप फाइटिंग स्टार्ट हो गया कि वो एकॉर्ड को एक्सेप्ट करेंगे नहीं नहीं करेंगे। अब एनएससीएन तो कहता है कि नागा के जो है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ही है, बट आईएससीएन उसको खारिज करता है और आईएससीएन ये कहता है कि गवर्नमेंट के साथ जो है इनकी मिलीभगत से इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ है। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड मणिपुर डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्लेस्ड ब्लॉकेड, जो कि हम यहाँ पे बात करें मैथी ट्राइब्स की। और दूसरा, अदर ट्राइब्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड सॉवरेनिटी ओवर एरियाज विच दे हैव ऑक्यूपाइड ओवर जनरेशन। ठीक है, तो दूसरी ट्राइब्स भी अपने एरिया और उसके कंटेस्ट को लेकर बात करती है। अब इसके बाद में जो है, व्हाट इज सेंटर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द एकॉर्ड, गवर्नमेंट इसको, इस पर्टिकुलर एकॉर्ड को जो है कैसे इंटरप्रेट करती है और उसको कैसे रिफ्लेक्ट करती है। इसके अंदर गवर्नमेंट का जो है ऑफिशियली और अनऑफिशियली ये जो स्टैंड सामने आया है कि जो एनएससीएन के जो लीडर है, दैट सीम्स टू हैव रिकंसाइल्ड टू अपहोल्डिंग द एलिजेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिविंग अप हिज डिमांड ऑफ नागालिज्म एज यूफेविज्म फॉर द होमलैंड फॉर ऑल नागा ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि सेंटर ये अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गया है कि इस तरीके की जो ग्रेटर नागालिज्म की जो बात है ना, वो नागालिज्म की बात अभी जो है ठंडे बस्ते में चली गई है, वो खत्म हो गई है। और दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एलिजेंस की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, नागालैंड एक भारत का स्टेट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल मानेगा। द लेटर वुड इम्प्लिसिटली इन्वॉल्व रिड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ एटलीस्ट थ्री स्टेट। ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ठीक है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप जो है इस तरीके से आप नहीं मानोगे, अगर आप कहोगे कि जो संपूर्ण जो नागा ट्राइब्स है वो नागा ट्राइब्स नागालैंड के अंदर आनी चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि दूसरे स्टेट का उसके ऊपर एप्रिहेंशन है। यहाँ पे आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी जो है नागा ट्राइब्स रहती है और ये स्टेट का रीऑर्गेनाइज आप कर नहीं सकते। दूसरा, एनएससीएन रिट्रैक्टेड दैट दे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ शेयर्ड सोवरेनिटी। अब एनएससीएन इसके अंदर ये ओवर द टाइम ये बात होती आई है शेयर्ड सोवरेनिटी की, तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट इश्यू है और इसके ऊपर काफी डिबेट हुई है कि शेयर्ड सोवरेनिटी जो है क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉसिबल है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट को जो है स्टेट और सेंटर के बीच में इस तरीके का एक अरेंजमेंट हो कि जो सोवरेनिटी है वो शेयरिंग बेसिस पे हो। और दूसरा, आपको पता होगा कि काफी सारे, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करो तो वहां पे जो है इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट चलता है, इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट चलता है। दूसरा जो है सिटीजनशिप का, जो है सिटीजनशिप को लेके वहां पे और भी इशू है। तो इस तरीके के ओवर द टाइम इश्यूज के अंदर आप शेयर सोवरेनिटी की बात करते हो तो ये एक जो है एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है और एक फेडरल पॉलिटिक्स को लेके इंडिया के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है उससे उसको बढ़ावा मिलता है। और शेयर्ड सोवरेनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके अंदर जो एरिया ऑफ स्पीयर है, सोवरेनिटी के एरिया ऑफ स्पीयर है, सेंटर और स्टेट के एरिया ऑफ स्पीयर क्लियरली जो है डिफाइन किए जाएं और उसके अंदर जो है दोनों के अंदर शेयरिंग हो, ना कि जो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, इसके अंदर जो है सोवरेन टेरिटरी जो है वो शेयरिंग हो और उसके अंदर फाइनेंशियल पॉलिटिकल पावर जो है शेयरिंग बेसिस पे हो। तो इसके अंदर ये कहा गया, वेदर वी आर एट अ पॉइंट ऑफ हिस्टोरिक अकॉर्ड ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एडेरेंस टू सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल इज वाइटली इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनएलिनेबल प्रिंसिपल एंड वेदर शेयर्ड सॉवरेनिटी वायलेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी एग्जामिन। ठीक है, तो सबसे मुद्दे की बात इसके अंदर आ गई कि हम जो है संविधान को फॉलो करना जो है, संविधान को एक्सेप्ट करना जो है, ये तो एक अल्टीमेट ये थिंग हो गया। और शेयर्ड सॉवरेनिटी अनटिल एंड अनलेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करती तब तक उस पर बात की जा सकती है। अगर ऐसा लगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो डेफिनेटली जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जो इंडियन एज ए स्टेट है उसको कंड्यूसिव नहीं है। तो इसके अंदर हमारी लर्निंग क्या थी, नागा पूरा जो प्रोसेस था इसके अंदर हमें क्या देखना है, इसके अंदर नागा जो है नागालिज्म वाला इश्यू क्या है, कौन कौन से स्टेट इससे अफेक्टेड है, कौन कौन से स्टेट इससे अफेक्टेड है, गवर्नमेंट की क्या स्टैंडिंग है, जो एनएससीएन और गवर्नमेंट के बीच में जो है अभी फ्रेमवर्क पीसफुल एग्रीमेंट हुआ था उसके क्या इम्प्लीकेशंस है, उसके क्या आउटकम है, और लास्टली जो है इसके अंदर जो शेयर्ड सॉवरेनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है और इनर लाइन परमिट के बारे में भी आप थोड़ा रिसर्च करो और उसके बारे में आप कमेंट करके बताना कि ये होता क्या है, कौन कौन से स्टेट के अंदर इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, और शेयर्ड सॉवरेनिटी के बारे में भी आप और इसके बारे में डिटेलिंग लो कि इसके बारे में क्यों चर्चा होती जा रही है। नेक्स्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जिसके अंदर नेबरहुड फर्स्ट की बात हुई है कि जो नेबरिंग कंट्री है उसको लेके बात हुई है कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, ये इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो पावर में आते ही सार्क नेशन के जो है इनके हेड्स को बुलाया था अपनी स्वेरिंग स्वर्ण ऑन सेरेमनी के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नेबरहुड पॉलिसी के अंदर अभी जो आपके इमीडिएट नेबर्स हैं लाइक चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप को अगर आप जज करें तो आपको लगेगा नहीं कि नेबरहुड जो पॉलिसी है वो इंडिया की जो है फ्रूटफुल हो रही है। इसको जो है इन पर्टिकुलर ऑथर ने ये कहा है कि इसको रिवाइव करने की जरूरत है, इसको जो है वापस जिंदा करने की जरूरत है। तो इसके अंदर हम फटाफट से डिस्कस क्या करेंगे कि वन ऑन वन हर कंट्री के जो है मुद्दे लेके देखेंगे कि इंडिया के साथ इनके आउटस्टैंडिंग मुद्दे क्या है और इनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो चाइना के साथ अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है ओवर द टाइम इंडिया की NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसके अंदर एंट्री को ब्लॉक कर रहा है। और ब्लॉक किस वजह से कर रहा है, एक साइड तो जो है चाइना कह रहा है कि जो इंडिया की एंट्री है वो रूल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर NSG के अंदर कोई भी अगर पार्टी और कोई भी मेंबर बनता है तो वो NPT जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका सिग्नेचर ही होना चाहिए, जो कि इंडिया नहीं है, तो वो उसका रीजनिंग है। दूसरा इसके अंदर ये चाइना ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को भी इसके अंदर इसी बेसिस पे एंट्री करवाई जानी चाहिए। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा जो है आपको पता होगा कि जो मसूद अजहर है जो टेररिस्ट लिस्ट में ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिस्ट लिस्ट में डालने के लिए इंडिया बार बार इसके लिए कोशिश कर रहा है और चाइना इसको वीटो कर दे रहा है। तो ये एक तरीके से खुलेआम एक टेररिस्ट को सपोर्ट करना जो नेशनल इंटरेस्ट के जो है बात होगी और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वाली बात होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे इश्यू ये खड़ा हो जाता है कि जब इस तरीके की चीजें आप एक कंट्री के साथ नहीं मनवा सकते तो आपकी डिप्लोमेसी जो है आपकी नेबरहुड डिप्लोमेसी जो है वो आपकी या तो ठीक नहीं जा रही है। दूसरा इसके अंदर बात हो रही है कि शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा। तो इंडिया और चाइना जो है ब्रह्मपुत्र रिवर को जो शेयर करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर शेयर करते हैं। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना ओवर द टाइम डैम डेवलप कर रहा है, 4 या 5 डैम बना रहा है और उसके साथ में लोअर राइपेरियन स्टेट होने के नाते इंडिया और चाइना के अंदर एग्रीमेंट हो रहा है कि जो है चाइना हाइड्रोलॉजिकल डाटा टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि इंडिया अपना इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट वाले जो कॉन्सेप्ट है उस पर जो है वर्कआउट कर सके। तो ओवर द टाइम ये रिश्तों में खटास आने की वजह से जो है शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी जो है वो ओवर द टाइम बंद हो गया। तो ये जो है ये मेजर चैलेंजेस है कि जब आप डेटा ही शेयर नहीं करोगे तो वाटर शेयरिंग का तो जो है ओवर द टाइम इश्यू बढ़ने वाला है। और जिसके अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो ये डैम बना रहे हैं, इन डैम्स की वजह से इंडिया के अंदर जो लोअर राइपेरियन स्टेट है इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर वाटर क्राइसिस हो जाएगा और फ्यूचर में इस तरीके का इसको जो है स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे चाइना बिल्कुल यूज कर सकते हैं। दूसरा सीपैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात अगर करें तो सीपैक अगर इंडिया के जो सॉवरेन टेरिटरी POK से इससे होके गुजरता है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, अब इस पूरे इनिशिएटिव से जो है इंडिया क्लियरली ये कह रहा है कि जब किसी की सोवरेन टेरिटरी से इस तरीके का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उससे आस्किंग होनी चाहिए, उससे डेलीगेशन होना चाहिए, उससे बात होनी चाहिए। तो इस पे चाइना बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। तो ये डिप्लोमेटिक फ्रंटियर पे जो है आपका फेलियर है। दूसरा अगर ट्रेड इम्बैलेंस देखा जाए चाइना और इंडिया के बीच में तो ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो कम्प्लीटली चाइना को फेवर करता है, इंडिया का जो है ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको काउंटर करने के लिए जो है इंडिया अप्रोच करता आया है कि जो नेचुरल एलाई है जापान के साथ टाई अप हो रहा है इंडिया का, US के साथ टाई अप हो रहा है और इसी तरीके से जो अभी क्वैड डेवलप हुआ है सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए जो इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक के अंदर, तो इसके अंदर USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। तो इस तरीके का क्वैड डेवलप करने से और इस तरीके का काउंटरिंग पॉलिसी से बात ये हो रही है कि इस तरीके से जो आपके नेबर है, इमीडिएट नेबर है, उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो ओवर द टाइम ठीक नहीं होंगे। अब चाइना के साथ आउटस्टैंडिंग इश्यूज के अंदर आप तिब्बत वाला मुद्दा आप ले सकते हैं, बाउंड्री का मुद्दा आप ले सकते हैं जिसके अंदर रिसेंटली डोकलाम विवाद हुआ था। तो इतने सारे आउटस्टैंडिंग इश्यू है और आपकी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ने इन मुद्दों पर क्या अचीव किया है, ये क्वेश्चन मार्किंग हुई है। ठीक है,
अब उसके बाद में ये कहा गया कि इन सब का जो है वे आउट क्या है, इसको जो है सुधारने की कैसे कोशिश की जा सकती है। तो चाइना का और इंडिया का मल्टीलेटरल फोरम पे बहुत सारा एंगेजमेंट है। पहला तो जो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि बायलेटरली जो है इन मुद्दों को ऑब्जेक्टिवली वन ऑन वन जो है इनको सॉर्ट डाउन किया जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रखा जाए, नेगेटिव नेगेटिव के साथ रखा जाए और वन ऑन वन जो है इशू को रिजोल्व किया जाए। दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिया जो है ब्रिक्स और SCO का जो है दोनों मेंबर है, परमानेंट मेंबर है और दोनों इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कोऑपरेट कर सकते हैं, कम्प्लीटली एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। G20 में भी जो है दोनों की जो है वॉइस एक साथ सुनी जाती है। तो ओवरऑल जो है चाइना के साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे इंडिया को एंगेज होना चाहिए और जो बायलेटरली और मल्टीलेटरली जो है इन मुद्दों पे वन ऑन वन डिस्कशन करके जो टेंशन है उसको कम करना चाहिए। तो इससे जो है रिवाइविंग जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जो है उससे रिवाइवल आपको मिलेगा। दूसरा इस पे नेपाल की हम बात करते हैं। नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्लॉकेड की बात हो रही है कि नेपाल को लेके नेपाल और इंडिया का जो नेचुरल एलआई और एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडली रिलेशन ओवर द टाइम रहा है, तो उसमें ओवर द टाइम कैसे खटास आई है और क्या क्या वजह रही है इसके। तो अभी अगर पिछले 2-3 साल का नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप देखोगे, नेपाल एंड इंडिया के रिलेशनशिप, तो उसके अंदर जो है काफ़ी जो बदलाव आया है उसके अंदर जो एक तो आपको पता होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो है फ्रेंडली एक एग्रीमेंट हुआ था, फ्रेंडली एक ट्रीटी हुई थी 1952 के अंदर, और वो ट्रीटी जो है इसका बेसिस है इंडिया और नेपाल के बीच में जो ओपन बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर का बेसिस है। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जो है नेपाल के अंदर जो है सिस्टम मोनार्की से ओवर द टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल और रिपब्लिक और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम चल रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर नेपाल के अगर आप मैप को देखोगे तो नेपाल के अंदर जो तराई रीजन है, नीचे वाला जो एरिया है, वो नीचे वाला एरिया इंडिया के बिहार एंड यूपी से टच करता है और यहाँ पे जो है मधेसी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, मधेसी पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन जो है इंडिया एथनिकली इंडिया की बिहार एंड यूपी की पॉपुलेशन से काफ़ी जो है मेल खाती है और वही लोग है, इनके जो है आपस में रिश्ते भी है और इनका आवागमन होता है, ट्रेडिंग होती है, बिजनेस होते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया का जो है इस पर्टिकुलर तराई रीजन से जो है कंप्लीट लिंकेज है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग हुई है उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ कि वर्टिकली हुआ है, और वर्टिकली होने से जो इन पर्टिकुलर जो तराई रीजन के जो है पॉपुलेशन है उनका रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है, तो उसकी वजह से इनमें अपराइजिंग हुई है और उसी अपराइजिंग को लेके इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि भाई इन मधेसी पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इनके हितों की रक्षा के लिए इंडिया ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना चाहिए, और उसी को लेके जो है ब्लॉकेड हुआ था जिसका कि नेपाल ने बिल्कुल जो है बिल्कुल अपोज किया था। और अभी जो नेपाल के अंदर नए जो प्रेसिडेंट चुनके हैं, नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इस चीज़ को अपोज करते हैं, वो चाइना के पास रीच कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप जो है उससे आपने जो है उसके अंदर 2-3 ट्विस्ट डाल दिए, 2-3 जो है खटास वाली बातें डाल दी। तो इसमें ये कहा है कि इनको वन ऑन वन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे इंडिया को जो नेपाल के साथ जो प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनको रिवाइव करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से सही करना चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल से सही करना चाहिए। थर्ड इसके अंदर पाकिस्तान के साथ बात होती है। तो पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान के साथ इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा तो टेररिज्म को लेकर है और टेररिज्म की वजह से जो है सार्क प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अटका हुआ है। सार्क की जो नेक्स्ट समिट होने वाली थी इस्लामाबाद में वो समिट कैंसिल कर दी थी। उड़ी अटैक जो हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, तो ये सब जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ रही है और वैली के अंदर J&K के अंदर जो है पाकिस्तानी सपोर्टेड टेररिस्ट जो है वो बिल्कुल सिचुएशन को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका वे आउट क्या है? वे आउट ये है कि जो आप Track 2 और Track 3 जो प्रोसेस है उनको बिल्कुल रिज्यूम करें। Track 1 प्रोसेस अगर नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी अगर नहीं हो रही है, तो Track 2 और Track 3 जो प्रोसेस है उनको आपको काम में लेना चाहिए और उन प्रोसेस से ओवर द टाइम एक एंगेजमेंट डेवलप करना चाहिए। तो इसके अंदर एक Track 2 प्रोसेस का एग्जाम्पल दिया है जो कि नीमराणा डायलॉग जो है, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आप डिटेलिंग ले लो कि नीमराणा डायलॉग Track 2 नीमराणा डायलॉग है क्या और इस तरीके का और क्या एवेन्यूज है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है फैक्ट फाइल, जिसके अंदर हम लेके आए हैं FATF। ठीक है, FATF क्या है?
इसके बारे में आप एक बार देखिए कि FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी दैट एम्स टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये 1989 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था G7 समिट जो कि पेरिस के अंदर हुई थी टू कॉम्बैट द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंदर 39 मेंबर्स है और इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, अभी इसकी हम बात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट में डालने से क्या हुआ कि इस जो ट्रांजेक्शन्स है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो ट्रांजेक्शन्स है, उनको जो है सख्ती निगाहों से देखा जाएगा और उनकी क्रिटिकली जो है स्क्रूटनी करी जाएगी। FATF secretariat is housed at the headquarter of OECD in Paris and initially FATF was only dealing with the developing policies to combat money laundering but in 2001 its purpose was expanded to the act against terrorism financing। ठीक है, पहले तो ये money laundering के purpose से develop हुआ था but 2001 के बाद में जो है ये terrorist financing को भी analyze करता है और उसकी scrutiny करता है। अब इसका mandate क्या है, set a standard and promote effective implementation of legal and regulatory operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of international financial system। फंक्शन सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एसेस मॉनिटर कंप्लायंस विद द FATF स्टैंडर्ड, कंडक्ट स्टडीज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेथड ट्रेंड्स टेक्निक्स, रेस्पॉन्ड टू न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट सच एज प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग यूज्ड फॉर द प्रमोटिंग प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है, तो पाकिस्तान को अभी इन्होंने जो है ग्रे लिस्ट में डाला है। इनकी दो तीन लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक है, तो पहले तो ब्लैक लिस्ट में डालने की बात कर रहे थे पाकिस्तान के टेररिज्म इन्वॉल्वमेंट को लेके, बट अभी इसको जो है ग्रे लिस्ट में डाला है और इसको कंप्लीटली गाइडलाइन दी है कि ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये कंप्लाई नहीं करता है तो उसको जो है ओवर द टाइम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होती है कि इसकी इससे इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो हार्म होती है और जो ट्रेडिंग है वो कंप्लीटली अफेक्ट होती है। तो लास्ट एजेंडा में, आज के लास्ट एजेंडा में हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो आज हम लेके आए एक्सरसाइज मालाबार। ठीक है, अब ये हम इसलिए बात करें कि इंडिया जो है नेबरहुड पॉलिसी की बात कर रहा है और उससे जुड़े हुए जो क्वाड का जो फॉर्मेशन क्या है तो उसी से जुड़ी हुई जो है ये पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज होती है। तो उसके दो स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज मालाबार 2015 विल बी द फर्स्ट मल्टीलेटरल वॉज द फर्स्ट मल्टीलेटरल मालाबार एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन द वाटर नियर इंडिया सिंस 2007। एक्सरसाइज मालाबार इज ट्रेडिशनली बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन US एंड इंडिया। ठीक है, तो इसका मालाबार एक्सरसाइज का बिल्कुल आप डिटेलिंग ले लें, ये अभी न्यूज़ में भी था और इसके अंदर जो न्यू पार्टिसिपेंट्स भी जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर न्यू पार्टिसिपेंट्स भी जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मालाबार एक्सरसाइज होती कहाँ पे और इसके अंदर कौन सी सर्विसेज, नेवी, आर्मी या एयरफोर्स जो है कौन सी सर्विसेज पार्टिसिपेट करती है, वो भी आप डिटेलिंग ले लें और उसके साथ में करेक्ट आंसर की इसकी डिटेलिंग दें। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी हमने फैक्ट फाइल के अंदर बात करी थी, फार्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये किसका इनिशिएटिव है, बिल्कुल जो है क्लियरली आप आंसर दे सकते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ ए फेस्टिवल एट नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा नागालैंड। ठीक है, कौन सा ये कौन से फेस्टिवल का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, डकबिल, वाइल्ड बिल, हॉर्नबिल और नागा दिवस। ठीक है, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आपको स्कोर बताना है, कौन कौन से ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए हैं और फाइनली जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर इसकी करेक्ट डिटेलिंग हम देते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कन्वेंशनल क्वेश्चन जिसके अंदर क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू रिसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी आपको इसके अंदर क्या क्या बताना है कि नेबरहुड पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा पहले पढ़ लो कि नेबरहुड पॉलिसी के बारे में, वैसे तो हमने देख लिया कि नेबरहुड पॉलिसी क्या है, उसके बाद में आप इसको पढ़ने के बाद में आप अभी देखो इसको आपको जो है गंभीर रूप से विश्लेषण करना है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए, रिसेंट डेवलपमेंट जो जियो पॉलिटिकल सिनारियों में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनारियों में जो है अलाइनमेंट, डिफरेंट अलाइनमेंट हो रहा है, और उसके बाद में जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, मालदीव्स के अंदर जो इनस्टेबिलिटी हो रही है उसके साथ रिलेशन है इंडिया का, चाइना के साथ रिलेशन है, अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, श्रीलंका के साथ जो हो रहा है, तो ये सब नेशंस के साथ में इंडिया के जो है अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए उन पे आपको जो है डिस्कशन करके जो है ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप ना लेके उसमें कोई इश्यू नहीं है, टाइपिंग में दिक्कत होती है, इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बट ब्रीफली आप जो है आउटलाइन 5 to 10 lines का जो है आप एक आउटलाइन डेवलप कर लें जिससे कि एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाए।
आंसर राइटिंग के अंदर आप हमेशा ध्यान रखें कि आंसर राइटिंग के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कंप्लीट आंसर लिखो प्रैक्टिस के दौरान। कंप्लीट आंसर से आप शुरुआत कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। आप जो है एटलीस्ट आंसर के बारे में सोचें, उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें और उस थॉट प्रोसेस के बाद में उस आंसर का फ्रेमवर्क बनाएं कि पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद क्या पॉइंट लिखूंगा। तो ये फ्रेमवर्क आप डेवलप करेंगे तो ओवरऑल जो है उसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर आपको जो है ओनली फंक्शनल पार्ट जो है वो बचेगा जो कि आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके के आंसर राइटिंग के आप प्रैक्टिस डेफिनेटली करें। सो फ्रेंड्स दैट इज ऑल विद दिस सेशन। और कुछ लोगों का कल जो है कमेंट था कि सेशन की लेंथ को लेके आप लोग बात कर रहे थे, तो फ्रेंड्स ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे कम्प्लीटली क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट को लेके बिल्कुल चर्चा करते हैं, तो टाइम का जो है 5 से 7 मिनट का अगर लेंथी हो जाता है तो आई डोंट थिंक इट विल बी ए बिग डील। फिर भी आप इसमें जो है अपनी ओपिनियन बिल्कुल रख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या जो है हमारी कार्यप्रणाली क्या होनी चाहिए। और सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट अबाउट दिस सेशन।